एक तरफ जहां बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में धांधली के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी के बाहर लगातार हंगामा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में शामिल हुए अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से सुबह से ही अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे थे, उनके ऊपर अब पटना पुलिस की लाठी चल रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीपीएससी के बाहर अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में पटना पुलिस लगातार जो है अभ्यर्थियों को हटाने की भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभ्यर्थी सुने नहीं। उसके बाद अभ्यर्थियों के ऊपर ताबड़तोड़ पटना पुलिस की डंडा चलने लगी। ऐसे में तस्वीर उस वक्त की है जब अभ्यर्थी लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर बीपीएससी बाहर खड़े थे, हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें आपको कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में शिक्षक नियुक्ति में काफी सारी गड़बड़ियां है। अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी कैंडिडेट शामिल होने की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट ऐसे हैं कुछ जिनका सीटेट में नाम नहीं है, कोई ऐसे में वो सीटेट पास ही नहीं है या फिर सीटेट का डिग्री ही नहीं कर रखे हैं। ऐसे में बीएड डिग्री धारक भी कुछ कुछ ऐसे नहीं है जो इस बहाली में शामिल हो गए हैं, और उनका रिजल्ट देकर कहीं ना कहीं उनका तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया जो होता है उसको पूर्ण कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को लगातार जो है बाहर करने की मांग कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। बता दें आपको कि और भी कई सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं और लगातार बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कुछ अभ्यर्थियों का कुछ नंबर के वजह से कहीं ना कहीं बीपीएससी में नाम नहीं आया है, वो तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा भी कहीं ना कहीं नाम दिया जाए, ऐसे में बीपीएससी बहाली में हमें भी शामिल करवाया जाए। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी लगातार बवाल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चल रही है, किस तरीके से पीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर बर्बरता पूर्वक जो है पटना पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं लगातार लाठी डंडों से कहीं ना कहीं पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थी ये नहीं है, ये अपराधी है और अपराधियों को पटना पुलिस पीट रही है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है तो जिस तरीके से नियुक्ति हो रही है उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां आई तो आई कैसे? विभाग से अभ्यर्थी जवाब मांग रहे हैं, नीतीश सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो वहीं लगातार जो है जिस तरीके से त्रुटियां आ रही है उसको सही करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी के बाहर हंगामा किया जा रहा था, उनको पीटा गया है और लगातार जो है कहीं ना कहीं लाठी डंडों से पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।